Everyone, so this is Shufredo from the class 6 CIVX chapter number 5. Today we are going to start chapter number 5, name is Panchayati Raj. So now let's start our chapter. What happens after people elect their representatives? मतलब जब क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब वो लोग होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं. हाउ आर डिसीजंस मेड, ये जो डिसीजंस होते हैं कैसे बनते हैं. लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज. अब देखते हैं ये जो रूरल एरियाज इधर दिए गए. रूरल एरियाज मतलब जो गांव के जो इलाके होते हैं उन्हें रूरल एरियाज कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट, हियर वी लुक एट द ग्राम सभा विच इज अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर्स फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पे ग्राम सभा में एक मीटिंग रखी गई है जहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जो इन लोगों को उन्होंने जो जिन लोगों ने उन्होंने इलेक्शन में उनको वोट दिया था उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे कि ये गांव में प्रॉब्लम है. उनके आंसर जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आंसर दे रहे हैं. नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर. इट्स अ स्पेशल डे टुडे, आज बहुत स्पेशल डे है. एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा, सभी जो लोग हैं वो ग्राम सभा की तरह जा रहे हैं. डू यू नो वाई, आपको पता है क्यों जा रहे हैं. बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत. अब जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग है. After that, next, the Gram Sabha is a meeting of all the adults who live in the area covered by a panchayat. Means, panchayat के अंदर जितनी भी जो जगह area जितनी भी आती है panchayat के अंदर उस जगह के अंदर meeting रखी गई है Gram Sabha में और उसमें सभी adults आए हैं. This could be only once village or a few village. ये जो panchayat होती है एक village की होती है, एक से कुछ villages की होती है, कुछ गांव की होती है. In some states as in the example above a village meeting is held for each village means har village mein meeting rakhi jati hai gram sabha ki. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of gram sabha. Matlab jo bhi 18 years se jiski age 18 hai ya 18 se zyada hai wo vote kar sakta hai aur wo gram sabha ka ek member hai, matlab gram sabha ka ek sadasya hai. After that, next, the people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. अब जो हरदास village गांव का नाम था हरदास और हरदास गांव के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे उनके जो नए पंचायत है उनके जो नए पंचायत leader हैं उन्होंने गांव के लिए क्या planning करके रखी है. Now Gram Sabha, this topic we are going to start. The Gram Sabha meeting begins with the Panchayat President who is also called the Sarpanch and the members of the Panchayat, the Panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. अब जो ग्राम सभा है ग्राम सभा की मीटिंग कौन शुरू करता है, पंचायत प्रेसिडेंट शुरू करते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी शुरू कर देगा, पंचायत के प्रेसिडेंट शुरू करते हैं और पंचायत के प्रेसिडेंट कौन होता है, सरपंच. और जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के वो भी शुरू करते हैं और जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पंच. अब जो ये सरपंच है ये बता रहे थे कि उन्होंने प्लान सोचा है कि वो जो रोड है रोड को मेन हाईवे से कनेक्ट करेंगे कि मींस जो वो रोड है वो मेन हाईवे की तरफ जाएगा. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. अब इसके बाद रोड का डिस्कशन कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट डिस्कशन था वाटर के बारे में, वाटर की बहुत कमी हो रही थी. अब इसके बारे में क्या सोचा है वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Every village panchayat is divided into wards, i.e. smaller areas.
हर जो पंचायत है, हर गांव के अंदर पंचायत होता है। और पंचायत किसके अंदर डिवाइडेड होता है? पंचायत होता है वार्ड्स के अंदर डिवाइडेड। और वार्ड्स कैसे होता है? वार्ड्स बहुत छोटे छोटे एरियाज होते हैं। Each ward elects a representative who is known as the ward member panch. मतलब हर वार्ड से लोग एक representatives को वोट करते हैं। representative मतलब जो इलेक्शन में उठते हैं उनको वोट करते हैं, और जो भी बन जाता है उसमें तो उसे वार्ड मेंबर कहा जाता है। वार्ड मेंबर को भी पंच कहते हैं। All the members of the Gram Sabha also elects a sarpanch who is the पंचायत प्रेसिडेंट। अब जो मेंबर्स वार्ड मेंबर जो बन जाते हैं, वार्ड मेंबर जो इलेक्ट हो जाते हैं, वो सभी जो वार्ड मेंबर होते हैं वो अपना सरपंच को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं कौन से सरपंच होने चाहिए। और सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब जो जो पंच है और जो सरपंच है वो क्या बनाते हैं? वो एक खुद की ग्राम पंचायत बनाते हैं। ये ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। अब जो ग्राम पंचायत होती है, एक बार वोट जिसको मिल जाए वो 5 years तक रहता है, फिर 5 years के बाद नेक्स्ट वोटिंग होती है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। अब जो ग्राम पंचायत है इसका एक सेक्रेटरी होता है, और जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वही एक ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, वो एक ही होता है। This person is not an elected person but is appointed by the government. ये जो secretary होता है इसको elect voting करके इसको elect नहीं किया जाता है, इसको appoint किया जाता है government में, मतलब paper देके इसको बनाया जा सकता है। The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. अब जो secretary है, secretary का काम क्या होता है? वो मतलब सरपंच से पूछ के अपने जो meeting होती है Gram Sabha की, जो meeting है उसको बुलाता है कि next meeting इस दिन की होगी, इस month को। और उसका दूसरा काम भी होता है, सेकंड काम क्या होता है? जो भी मींस जो भी मीटिंग के अंदर जो भी सुझाव रखे जाते हैं, रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखता है ये सभी। अ विलेजर कॉल्ड तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी अक्यूट। मतलब जो एक विलेजर है, गांव का सदस्य है, वो कहता है, उसका नाम है तिजिया। तिजिया कहता है, शुरुआत करते हैं, तिजिया कहता है जो वाटर की जो प्रॉब्लम है ये हरदास का जो गांव है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द हैंडपंप वाटर has gone well below the point up to which the ground has been drilled. कहते हैं अब जो हैंडपंप का जो पानी है वो भी, हैंडपंप का जो पानी है उससे भी पानी नहीं निकलता, इसलिए उन्हें ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिलिंग की जो मशीन आती है उससे वो ग्राउंड को ड्रिल करते हैं। We hardly get any water in the taps. हमें बहुत मुश्किल से टैप में, नल्स में पानी मिलता है। Women have to go to the Suru River, which is 3 kilometers away, to get water. जो वुमेन होती है उन्हें सुरु रिवर के पास जाना पड़ता है। सुरु रिवर 3 kilometers दूर है पानी लाने के लिए। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. अब जो एक मेंबर उस गांव का एक मेंबर होता है, वो एक सुझाव देता है कि हमें सुरु रिवर की तरफ से एक पाइपिंग लगवा देनी चाहिए और एक टैंक में वो जो सुरु रिवर का जो पानी है वो आएगा, वैसा करना चाहिए कि इससे जो पानी की जो सप्लाई वो बढ़ जाएगी, ऐसा कहता है वो। बट दी अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। और जो दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं बहुत महंगे में काम होगा, एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। It's better they fail to depend the hand pumps and clean the wells for the season. और फिर एक और member कहता है कि जो हमें क्या करना चाहिए, हमें season में hand pumps और जो wells है उनको पूरा clean करवाना चाहिए। Tijia says this is not enough. Tijia जो होता है वो कहता है ये काफी नहीं है इतना। We need to do something more permanent as ground water level seems to be going down every year. हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा permanent चीज करनी पड़ेगी, क्या हमें हर बार water, हर बार handpump और उसे clean नहीं करवा।
करवाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो साल हर साल वो ऐसे पानी आता रहे। We were using more water than is seeping into the ground. मतलब फिर बताया गया है कि बाद में कहा गया है हम लोग जो जितना ग्राउंड के अंदर वाटर है उससे हम ज्यादा यूज कर रहे हैं उस वाटर को। Another member Anwar that tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. एक मेंबर होता है उस गांव का, वो होता है अनवर। अनवर ये कहता है कि मैं महाराष्ट्र के गांव में गया हूँ अपने भैया से मिलने, और उस गांव में क्या होता है वो जो लोग होते हैं वो वाटर को बहुत कंजर्व करता, मतलब बचाते हैं उस वाटर को और उस वाटर को बार बार कामों के लिए यूज करते हैं। It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. वो कहता है इस चीज को watershed development कहा जाता है, और उसने सुना है कि ये जो government है ये इस काम के लिए पैसे देती है। In his brother village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. उसके जो भैया का जो गांव था उसमें उन लोगों ने trees plant करवाए, trees लगाए हुए हैं, उन्होंने dams और जो tanks हैं उन्हें बनवाया हुआ है। Everyone thought that this was an interesting idea and the gram panchayat was asked to find out what it in detail. और अभी सब लोग कहने लगे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक अच्छा आइडिया है, और जो ग्राम पंचायत है वो उन्होंने भी कह दिया इसके बारे में और डिटेल में लाओ, इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लाओ। फिर नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनल सेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल व्हिच हैड टू बी इम्प्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अभी जो बताया अब दूसरा एजेंडा है, मतलब दूसरा जो टॉपिक है ग्राम सभा में, दूसरा टॉपिक की बात है बीपीएल। बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल मतलब क्या होता है, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाया गया होता है, राशन उन्हें बीपीएल लिस्ट इसलिए बनाई गई होती है बीपीएल कार्ड, जो लोग गरीब होते हैं इनकी इनकम बहुत कम होती है उन्हें ये बीपीएल कार्ड दिया जाता है, क्या उनको जो राशन होता है वो उन्हें कम दाम में मिल सके, कम भाव में उन्हें मिल सके। अब नेक्स्ट में है Soon as the list is read out, people began to whisper. और अभी जैसे ये जो बीपीएल जो लिस्ट में जिनका भी नाम था, जो सभी जो लोग थे वो विस्पर करने लगे, मतलब एक दूसरे के कान में धीरे से बातें कहने लगे, विस्पर करने लगे। Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he below the poverty line? अब उस बीपीएल लिस्ट में Natwar का नाम आया। अब जो Natwar था, Natwar ने एक कलर टीवी लिया था और उसने अपने बेटे को एक नई मोटरसाइकिल दी थी, मोटरसाइकिल मींस एक नई बाइक दी थी उसने। फिर अभी सब लोग कहने लगे वो पॉवर्टी लाइन के कैसे नीचे है, वो तो बहुत अमीर है, ऐसा कहने लगे। सूरज माल मोटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरज सेज टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन द लिस्ट। अब जो सूरज माल था वो उसके साइड नेक उसके साइड में जो बैठा था वो थी सूरज सरोज, वो थी सरोज। वो सूरज माल क्या कहता है सरोज को कि ये जो बिरजू है, बिरजू का नाम कैसे आया इस लिस्ट में। He has so much land, उसके पास बहुत सारी जमीन है। This list should have only poor people. इस लिस्ट में सिर्फ गरीब लोगों का ही नाम आना चाहिए। And Om Prakash is a landless labor who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. अब ओम प्रकाश सच में गरीब था, उसके पास कोई जमीन नहीं थी, वो उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand. आपको पता है जो Natwar है और जो Birju है वो दोनों Amir Chand के दोस्त हैं। Who can counter Amir Chand power? कौन Amir Chand की power को नहीं जानता? Sukhi Bai says Amir Chand was the earliest zamindar, landlord
landowner of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in. अब कहते हैं कि जो सुखी बाई कहते हैं कि अमीर चंद तो वही है ना जो पुराना जमींदार जमींदार को लैंड ओनर कहा जाता है, जिसके पास बहुत सारी जमीन है उसको जमींदार कहा जाता है। उसके विलेज का वो एक बहुत पुराना जमींदार है और उसके पास अभी भी बहुत ज्यादा जमीन है। फिर वो सुखी बाई कहती है कि हमें इस लिस्ट में बीपीएल लिस्ट में हमें ओम प्रकाश का नाम लाना ही पड़ेगा। दी सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विजिटिंग एंड आस्क इफ समवन हैज नथिंग टू से। अब नेक्स्ट में बता गया जो सरपंच है जो पंचायत प्रेसिडेंट है वो ये देखते हैं जो लोग हैं वो एक दूसरे के कानों में विस्परिंग करते हैं। विस्परिंग मतलब धीरे से बोलते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि वो जो लोग हैं कुछ कहना चाहते हैं। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब जो सरोज होता है सरोज जो है वो कहते हैं कि सूरजमाल को कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे सरपंच से, बट ही कीप्स क्वाइट लेकिन वो चुप रहते हैं। अमीर चंद सिटिंग इन दी ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अब जो अमीर चंद है वो सब वो ग्राम सभा में था और वो सभी पे ऐसी सभी पे आंखें रख रहा था, सभी पे देख रहा था। Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in the BP list. अब जो सरोज होते हैं सरोज जो है वो उठती है फिर बाद में वो कहती है कि ओम प्रकाश का नाम इस BP list में आना चाहिए। Others agree that he and his family are very poor. सभी जो लोग हैं वो उसके बातों को एग्री हो जाते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं हाँ ओम प्रकाश का नाम आना पड़ेगा क्योंकि उसकी वो ओम प्रकाश है और ओम प्रकाश की जो फैमिली है वो बहुत गरीब है। दी सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैज बीन मिस्ड आउट। जो सरपंच है वो पूछते हैं कि उसका नाम कैसे छूट गया। दी पर्सन हु डिड दी सर्वे ऑफ बीपीएल लिस्ट Family says Om Prakash house was locked when I went there. फिर बाद में वो कहते हैं कि वो जिसने भी BPLS के अंदर जो भी BPLS के अंदर नाम लिख रहा था वो ओम प्रकाश के घर में गया था लेकिन उसका जो घर था वो लॉक था इसलिए वो उनका नाम नहीं आ पा। The next, the Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat playing its role and be responsible. ग्राम सभा का भी इसका मतलब है कि जो ग्राम सभा है ग्राम सभा का भी एक रोल बनता है कि वो जो ग्राम पंचायत था उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स ऑफ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। ग्राम सभा में सब डिस्कशन करते हैं लेकिन कौन काम करता है, जो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। जो ग्राम सभा डिसीजन लेती है वो डिसीजन को रखते हैं, जो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो जैसे वो काम करते हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। अब जो ग्राम सभा है ग्राम सभा पंचायत जो पंचायत है पंचायत को इस चीज से भी रोकती है कि वो कोई गलत थिंग ना कर दे, जो जो मनी जो है वो विलेज को इम्प्रूव करने के लिए आया है अच्छे से विलेज को इम्प्रूव करने के लिए आया है वो मनी जो है वो उसको मिसयूज ना करे, मतलब अपने कामों के लिए ना यूज करे। वो ग्राम सभा ये भी देखती है। It plays an important role in keeping an eye of the elected representatives and in making them responsibility to the elector to the persons who elected them. और जो ग्राम सभा है वो सब मतलब वो जो elected representatives और मतलब जो सरपंच वगैरह जो पंच है उनकी तरफ नजर रखती है कि वो जो है वो अपनी responsibility वो अपनी responsibility निभाए। After that, next, he may
have gone somewhere to look for work. अभी next में बताया गया है वो जो ओम प्रकाश है वो कहीं काम करने काम ढूंढने के लिए वो ही कहीं गया होगा काम ढूंढने के लिए. This serpent gives instruction that Om Prakash family income be looked at and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. फिर बाद में जो सरपंच होता है वो ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ओम प्रकाश की जो फैमिली उसकी इनकम बहुत कम है इसलिए उसके घर में वापस जाना और उसका जो बीपीएल लिस्ट में बीपीएल जो लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम आना चाहिए. ऐसा वो इंस्ट्रक्शन देता है सरपंच. आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज 46 पेज ग्राम पंचायत. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. अब ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनकी जो मीटिंग होती है ग्राम पंचायत में वो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है वो हर दिन होती है और जितने भी विलेज आते हैं उनकी भी मीटिंग होती है ग्राम पंचायत में. You have seen the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. अब जो Gram Panchayat जो काम करती है उस काम को कौन देखता है? Gram Sabha देखती है. In some states, Gram Sabha form committee like construction and development committee. कुछ कुछ स्टेट में जो ग्राम सभा है उसने अपनी कुछ कमेटी बनाई है जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमेटी. एक ही वन ही कमेटी का नाम है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी. ये जो कमेटी है दिस कमेटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फॉर्म ऑफ द सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क. अब ये जो कमेटी है इस कमेटी में से कुछ लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के काम करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के इसमें काम करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. आफ्टर दैट टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत. दो जो विलेज हैं दो गांव में जो पंचायत है उनके जो पंच है पंच को महाराष्ट्र में से उनको एक अवार्ड दिया गया था जिस अवार्ड का नाम था निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में उन्हें दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था इसलिए उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार की अवार्ड दिया गया था. आफ्टर दैट नेक्स्ट द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेस रोड्स ड्रेनेज स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस. इसका मीनिंग ये है कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या काम करती है. इधर बताया गया है वो कोई कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो वाटर पानी अच्छे से आ रहे नहीं कमी है या नहीं वो काम देखती है ग्राम पंचायत. रोड्स अच्छे से बनाओ उसका कंस्ट्रक्शन करे ये देखती है. सूखा ना पड़े ये देखती है. स्कूल बिल्डिंग्स स्कूल्स को बनाएं और जो प्रॉपर्टी में जो चीजें हैं वो भी ग्राम पंचायत देखती है. सेकंड लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस. अब जो ये ग्राम पंचायत है टैक्सेस भी लेती है लोगों से. एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. और जो ये ग्राम पंचायत है ये गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम्स होती है उनको विलेज में न्यू बढ़ाकर विलेज में बताती है एक्सिक्यूट करती है मतलब बताती है लोगों को. सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत मतलब पंचायत के पास फंड कैसे आता है मतलब पंचायत के पास खुद से रुपीज कैसे आते हैं मनी कैसे आते हैं. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज मार्केट प्लेसेज एक्सेट्रा. जो ग्राम पंचायत होती है वो हाउस का टैक्स मार्केट प्लेस का टैक्स वैसे टैक्स लेके ग्राम पंचायत को फंड मिलते हैं. सेकंड ग्राम पंचायत स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू दीज जनपद एंड जिला पंचायत. और गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम है उनसे फंड मिलते हैं. अब कौन फंड देता है अब जो गवर्नमेंट की कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जैसे जनपद और जिला पंचायत वो फंड देते हैं. अब
नेक्स्ट है डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा। अब जो ये लोग जो विलेज में है वो भी कुछ डोनेशन दे सकते हैं, उससे भी ग्राम पंचायत को फंड मिल सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब देखते हैं जो हरदास गांव में जो ग्राम पंचायत है वो उसने क्या किया है। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम्स अबाउट हरदास विलेज। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड द मीटिंग दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर पंच। अभी जब बता गया आपको ये पता है, आपको याद है कि जब वाटर प्रॉब्लम हुई थी हरदास गांव में तो उस वाटर प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए थे कि ऐसा ऐसा करवा सकते हैं हम लोग, वो ऑप्शन आपको याद है। अब जो ये हरदास में जो एक ग्राम पंचायत हुई एक मीटिंग हुई है अगेन, वो वाटर के टॉपिक पे ही एक मीटिंग हुई है। This meeting was attended by the सरपंच वार्ड members, पंच आदि सेक्रेटरी। ये जो मीटिंग है इस मीटिंग में सरपंच थे, जो वार्ड मेंबर थे, वार्ड मेंबर को पंच कहा जाता है, पंच थे और सेक्रेटरी थे। The ग्राम पंचायत members first discussed the discussion to depend to hand pumps and clean well so that village would not go without water. अब ग्राम पंचायत में एक ऑप्शन दिया गया था कि हमें हैंड पंप्स और वेल को क्लीन करवाना चाहिए, क्या हमें वाटर की कमी ना हो, ऐसा एक ऑप्शन दिया गया था। दी सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस दी पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। अभी जब जो सरपंच है, जो पंचायत प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा हमें कुछ फंड मिला है, हमें कुछ मनी मिला है जो मेंटेनेंस होता है हैंड पंप्स का, जो मेंटेनेंस होता है उनसे उन्हें कुछ मनी मिला है। फिर उन्होंने कहा, सरपंच ने कहा, हम लोग ये वर्क को फिनिश करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे वर्क को जो उन्हें मनी मिला है। The members agreed and the secretary recorded their suggestion. जो सभी जो member थे वो agree हो गए थे इस काम के लिए, और जो secretary थे जो decisions वगैरह document में लिखते थे उन्होंने भी ये decisions अपने document में लिख दिया था। The members then went on to the decisions of the options for a long-term solution. फिर बाद में वो जो members थे वो ये सोच रहे थे कि हम लोगों को ये मैटर, मतलब हर बार हम लोग ये क्लीन थोड़ी ना करा सकते, हमें कोई बड़ा ऐसा एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. जो Gram Sabha थी, Gram Sabha के जो member थे, जो पंच वगैरह थे, वो सभी जानते थे कि वो जो दूसरी meeting है उस next meeting में भी वो ऐसे question जरूर पूछेंगे water problem के बारे में। Some punches asked whether the water sheet program would make a substantial difference to water level. फिर बाद में कुछ जो पंच थे उन्होंने water शीट जो प्रोग्राम बताया गया था जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था उनके बारे में वो ये सोचे थे वो वाटर शीट प्रोग्राम करें, ये वो सोच रहे थे। फिर बाद में जब वो मीटिंग हुई उन्होंने पूछा कि क्या वाटर पहले के टाइम में जब वाटर का जो लेवल था वो ऐसा था और अभी के टाइम में जो वाटर का जो लेवल है वो इतना है, तो कुछ डिफरेंस आया है इसमें। A lot of discussion followed. बहुत ज़्यादा discussion हुआ इस बारे में। In the end, it was decided that Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information in this on the scheme. अब एकदम last में जब meeting finish होने वाली थी तो Gram Panchayat ने ये decide किया कि वो जो block development जो officer है उनके बारे में वो इस scheme के बारे में और जानकारी उनसे पूछेंगे, information उनसे पूछेंगे। Now next day is given. Water sheet management has transformed this barren swamp to a green meadow in just 2 years. अब पहले क्या था, पहले वाटर की बहुत कमी थी, तो ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये वाटर था एकदम पूरा बैरन था, मतलब इसके अंदर ग्रास उगती ही नहीं थी, पूरा एकदम बैरन था, इसके अंदर वाटर था ही नहीं।
जैसे ग्रास देख पा रहे, ग्रास थी नहीं जब, लेकिन अभी जब पानी वाटर आ चुका है तो फिर जब जस्ट 2 साल में ही, 2 इयर्स में ही ये सब पूरी ग्रीन कलर की ग्रास उग चुकी है, आप देख सकते हैं। After that next 3 levels of panchayat. अब panchayat के जो three level के जो panchayat होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। After reading about what had happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. हम लोगों ने पढ़ चुका है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में, हरदास विलेज में क्या हुआ, तो आप अभी समझ गए होंगे कि जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है इस ये क्या होते हैं। अब जो पंचायती राज सिस्टम है ये एक ऐसी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उस प्रोसेस में आते हैं और वो गवर्नमेंट का एक सदस्य बनते हैं, खुद की उनकी गवर्नमेंट का एक सदस्य बनते हैं। In rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. ये rural areas means गांव वाले जो village वाले जो areas हैं उनमें जो Gram Panchayat है ये पहला tier है, पहला tier कह सकते हैं आप, फिर हम लोग ये कह सकते हैं पहला level है जो democratic government जो बनी है। democratic government means वो government होती है जिसमें election होते हैं, तब जो जो लोग होते हैं वो खुद से अपनी government को चूज करते हैं। मींस ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला लेवल है। फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज़ इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। अब ग्राम सभा जो ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं जो इलेक्शन में नहीं उठे, उन्होंने उन्होंने पंच और सरपंच कुछ क्वेश्चन पूछे और वो पंच और सरपंच उनका आंसर नहीं दे पा रहे तो वो उन्हें हटा भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही उनको इलेक्ट किया है, इलेक्शन में उन्होंने ही उनको वोट दिए, फिर वो नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट देंगे ही नहीं, वो आंसर नहीं देंगे, इसलिए उन्हें आंसर देने पड़ते हैं। द आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू टू अदर लेवल्स। अब जो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये और 2 लेवल मींस, ये तो हम लोग ने फर्स्ट लेवल के बारे में बात की, अब और 2 लेवल्स होते हैं। वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति, और अभी सेकेंड लेवल है ब्लॉक लेवल जिसे हम जनपद पंचायत भी कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं। The पंचायत समिति has many ग्राम पंचायत on it. ये जो पंचायत समिति है इसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं। Above the पंचायत समिति is the district पंचायत और the जिला परिषद। इस पंचायत समिति के ऊपर में है, इसके ऊपर में है डिस्ट्रिक्ट पंचायत कह सकते हैं, फिर हम लोग जिला परिषद भी कह सकते हैं। The जिला परिषद actually makes development plans at the district level. अभी तो बताइए ये जो पंचायत, ये जो जिला परिषद है ये means ये plan बनाता है, plan कहाँ पे कौन से level पे बनाता है, जो district है, district मतलब जिला, जिला में जो plans होते हैं वो ये जिला परिषद बनाते हैं। With the help of the पंचायत समिति it also regulates the money distribution among the ग्राम पंचायत। और जो ये जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद जो है इसके अंदर जो ग्राम पंचायत के अंदर जितना मनी आ रहा है, जितना मनी जा रहा है वो भी देखा जाता है, कितना मनी आ रहा है कितना मनी जा रहा है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। एक अच्छी चीज इधर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, मीन जो संविधान है उन्होंने एक अच्छी चीज की है कि जो स्टेट है, हर स्टेट जो है कंट्री का, जो हर स्टेट है वो खुद से अपने लॉज बना सकता है पंचायत के थ्रू। पंचायत के थ्रू मतलब पंचायत को जो स्टेट होगा वो खुद से लॉज बनाएगा और वो जो लॉज होंगे वो पीपल को तो फॉलो करने पड़ेंगे और साथ में वो पंचायत को भी फॉलो करने पड़ेंगे। दिस आइडिया इज टू प्रोवाइड more and more space for people to participate and raise their voices. ये इसलिए क्या गया है, स्टेट इसलिए खुद से लॉस बना सकते हैं, क्या है जो लोग हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ें उठा सके। Ask your teacher to invite
any of the elected persons such as Panch, Sarpanch, Panchayat, President or member of the Janpat or Zilla Panchayat and interview them on their work and the projects undertaken by them. आप क्या करो, आप अपने टीचर से पूछो, कहो कि आप टीचर कि आप क्या करो, आप जो इलेक्टेड पर्सन है, मतलब जिन लोगों को इलेक्ट किया गया है, जैसे कि पंच हो गए, सरपंच हो गए, सरपंच मतलब पंचायत प्रेसिडेंट, या जनपद और जो जिला पंचायत है उनके मेंबर को बुलाए और उनके बारे में इंटरव्यू लीजिए कि वो क्या, उन्होंने अब तक क्या क्या काम किया, क्या प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं. So till here is the chapter. So thank you for watching this video. Please like, share.